हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल स्टार्ट टू बेसिक में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी के माध्यम से। आज जो है लेसन 6 है, क्लास 10th की ज्योग्राफी चल रही है। इसके पहले की 5 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आज का जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रेंड्स है चैप्टर, और ये चैप्टर बड़ा भी है, तो इसको हम पार्ट में करके पढ़ेंगे। तो आइए बिना विलंब किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स विनिर्माण उद्योग। आइए पहले इसके बारे में समझते हैं। विनिर्माण उद्योग फ्रेंड्स, विनिर्माण का मतलब होता है कि इसको एक तरह से हम कहें तो इसका मतलब होता है कि वस्तु निर्माण, ठीक है। विनिर्माण का क्या मतलब हो गया? वस्तु निर्माण मतलब सीधा सीधा बात है कि जिसमें हम क्या करते हैं, किसी वस्तु का क्या करें, निर्माण करें। मतलब उद्योग धंधों की बात आ गई यहाँ पे। मतलब अगर कोई चीज़ जो है प्राथमिक क्रिया से, यानी कृषि में कोई चीज़ उपजाया जा रहा है और उसका हम जो है उस चीज़ को क्या करें, परिवर्तित करके, उसमें चेंजिंग करके उसका जो है निर्माण अलग तरीके से कर दें, जो वह उपयोगी हो जाए और वह चीज़ें जिससे जो है उसका मूल्य परिवर्तित हो जाए, यानी जो चीज़ थी उसमें हमने क्या किया, परिवर्तन करके और उसका जो है विनिर्माण कर दिया, यानी वस्तु निर्माण कर दिया। उदाहरण तौर पर जैसे मान लीजिए किसान क्या करता है, गन्ना का खेती करता है, और वह गन्ना उसके लिए उपयोगी तब तक नहीं है जब तक उसको वह मिल में या बाज़ार में न ले जाए। अब वह मिल में जाएगा तो उसी गन्ने से क्या बनता है, तो चीनी बनती है, तो चीनी बनती तो उसका वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है। तो वह उस कृषि जो प्राथमिक उत्पादन है उससे द्वितीयक उत्पादन में चला गया और वही क्या हो गया, विनिर्माण उद्योग हो गया। तो आइए इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। देखिए, कह रहा है कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। क्या कह रहा है, तो कच्चा पदार्थ है उसके मूल्य उत्पादन में क्या कर दें, परिवर्तन कर दें, और अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। देखिए, ठीक हो गया। जैसे कागज से क्या बनता है, कागज कैसे बनता है, तो लकड़ी से बनता है। लकड़ी क्या है, तो जब तक लकड़ी जो है उसका विनिर्माण नहीं होगा, उसका मूल्य परिवर्तन नहीं होगा, उसका कोई दूसरी चीज़ नहीं बनेगी, तब तक बहुत उपयोगिता उसकी नहीं है। अब कागज़ बन जाएगा तो उसकी उपयोगिता ज़्यादा बढ़ गई। चीनी से क्या बनता है, गन्ने से चीनी। लौह इस्पात उद्योग से लौह अयस्क, और एल्युमिनियम से जो है बॉक्साइट में निर्मित होता है। लौह अयस्क से एल्युमिनियम क्या होता है, बॉक्साइट में निर्मित होता है। तो ये इसको इसी को क्या कहते हैं, तो विनिर्माण कहते हैं। क्या आप यह भी जानते हैं कि कई किस्म के कपड़े जैसे रेशे से बनते हैं, जो रेशा उद्योग में बनते हैं। अब द्वितीयक कार्य में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तु में परिवर्तित करते हैं। मतलब विनिर्माण या वस्तु निर्माण में मुख्य रूप से किसका योगदान है, तो द्वितीयक कार्य में। आपने पढ़ा होगा प्राथमिक क्रिया, प्राथमिक कार्यों में लगे लोग द्वितीयक कार्य में, और तृतीयक कार्य, तो प्राथमिक कार्य में क्या होगा, तो कृषि से जितने भी संबंधित चीज़ है, जैसे किसान कृषि कर रहा है तो क्या है, प्राथमिक कार्य। और इसी कृषि को, जैसे गन्ना है तो गन्ना मिल में चला गया, तो मिल में जितने लोग काम कर रहे हैं वो क्या हो गए, तो द्वितीयक हो गए, ठीक है, वो द्वितीयक हो गए। और जो सेवा सर्विस क्षेत्र में है लोग, अब मान लीजिए कोई जो है मार्केटिंग कर रहा है उसी चीज़ का, तो वो क्या हो गया, वो तृतीयक में आ गया। तो मुख्य रूप से हम लोगों को पढ़ना क्या है, तो द्वितीयक जो श्रमिक वर्ग है उसके बारे में यहाँ डिटेल से चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। आइए, कह रहे द्वितीयक कार्य में लगे व्यक्ति कच्चे माल को क्या करता है, परिष्कृत वस्तु में परिवर्तित करते हैं। स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी तथा पेय पदार्थों संबंधी उद्योग में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब कौन कौन से आ गए द्वितीयक में, तो देखिए, जैसे क्या करते हैं, स्टील का जो कोई काम है, जैसे कार है, कपड़ा बनाना उद्योग है, बेकरी और पेय पदार्थ संबंधी जो उद्योग लगे हैं, इसमें जो श्रमिक हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये द्वितीयक कार्यों के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया। आइए, कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं। इस अध्याय में हम द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण उद्योगों के विषय में पढ़ेंगे। अब देखिए, कह रहा है कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं।
तो वह किस में आ गया, तृतीयक में आ गया। लेकिन इस अध्याय में हमें क्या पढ़ना है, तो द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत जो विनिर्माण उद्योग है उसके विषय में पढ़ना है। कह रहा है किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योगों के विकास से मापी जा सकती है। मतलब किसी भी अगर उद्योग, किसी भी देश का अगर आर्थिक विकास को अगर जानना है कि वह देश कितना विकास से या विकसित है, तो उसके विनिर्माण उद्योग से आप उसके बारे में जान सकते हैं। जिसके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगा, ज़्यादा उद्योग धंधे होंगे, वह अधिक विकसित होगा। अब विनिर्माण का महत्व देख लीजिए। तो विनिर्माण उद्योग समानांतर विकास की तथा विशेषता आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, वरन क्या है, द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को क्या करता है, कम करता है। देश में औद्योगिक विकास बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित थे। अब जनजाति तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। भारत नाइट्रोजनी उर्वरकों का क्या है, तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए एक ऑब्जेक्टिव मिल गया आप लोगों को, क्या तो भारत नाइट्रोजन उर्वरकों का जो उत्पादन में क्या है, तो तीसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर क्या है, तो 57 उर्वरक इकाइयाँ हैं। उर्वरक इकाइयाँ मतलब उर्वरक बनाने वाली कंपनियाँ, ठीक है। नाइट्रोजन तथा मिश्रित नाइट्रोजन उर्वरक निर्मित क्या करती हैं, ये 57 जो उर्वरक इकाइयाँ हैं ये क्या करती हैं, तो नाइट्रोजन और उससे मिश्रित नाइट्रोजन उर्वरक को बनाती हैं। 29 इकाइयाँ क्या करती हैं, तो यूरिया उत्पादन, तथा 9 इकाइयाँ जो हैं उप उत्पाद के रूप में अमोनियम सल्फेट का उत्पादन करती हैं, ठीक है। 68 अन्य लघु इकाइयाँ मात्र क्या बनाती हैं, तो सुपर फास्फेट का उत्पादन करती हैं। अब सार्वजनिक क्षेत्र में 10 उपक्रम हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में समझ रहे हैं, मतलब जो गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है वो सार्वजनिक है। निजी क्षेत्र का मतलब कोई पर्सनल जो उसका मालिक हो, जैसे मान लीजिए अब भारत का जो कोई भी उपक्रम है वो भारत सरकार का, वो क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र में है। निजी क्षेत्र में जैसे मान लीजिए अंबानी का है, टाटा का है, ये सब क्या है, निजी क्षेत्र है। तो कह रहा है 68 जो है अन्य लघु इकाइयाँ मात्र सुपर फास्फेट का उत्पादन करती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में 10 उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र में कितने हैं, तो 10 उपक्रम तथा भारतीय उर्वरक निगम, जिसे इसको क्या कहते हैं, FCI कहते हैं, ठीक है, भारतीय उर्वरक निगम FCI, फूड ये जो हो गया फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, के हजीरा में सहकारी क्षेत्र के अंदर एक उपक्रम क्या है, कार्यरत है। अब कह रहा है कि वे देश ही विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। कौन से देश, तो वे देश जो क्या करते हैं, कच्चे माल को क्या कर लेते हैं, तो अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित कर लेते हैं, यानी उस वस्तु को क्या करते हैं, बदल करके उसको दूसरा रूप दे करके बनाते हैं। अब भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में नहीं था। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ये एक दूसरे क्या है, पूरक है। अब उदाहरण देख लीजिए क्या है, भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर हैं, तथा इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें, कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर है। इसलिए विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है, अपितु उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई है। आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धा तथा सक्षम होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भरता ही काफ़ी नहीं है, हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी तो की हो, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या होंगे, प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। मतलब कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत तभी होगा जब आपके जो आप जिसका उत्पादन करेंगे उसकी गुणवत्ता भी हो, तभी तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उसकी मांग बढ़ेगी। अब पता चले कोई चीज़ बना दिए वो किसी काम की नहीं है, तो कहाँ से आप उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। कह रहा है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है देख लेते हैं। तो पिछले 2 दशकों से सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का, सकल घरेलू जिसको क्या बोलते हैं, GDP, सकल घरेलू जो है उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान कितना है, तो 27% है फ्रेंड्स, ठीक है। 27% में से 17% ही क्या हुआ है, क्योंकि 10% भाग खनिज खनन गैस तथा विद्युत ऊर्जा का योगदान है। भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का क्या है, 25 से 30% है। देखिए
25 से 35%। अन्य जो पूर्वी एशियाई देश हैं वहाँ क्या है, पूर्वी एशियाई देश में क्या आ जाएंगे, जैसे मान लीजिए वियतनाम है, बर्मा है, थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, ये सब क्या है, पूर्वी एशियाई देश हैं। तो यहाँ पर क्या है, 25 से 35% है विनिर्माण। भारत में क्या है, 17% रह गया है। अब पिछले एक दशक से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% दर की दर से बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी की यह दर अगले दशक में 12% अपेक्षित है। अब वर्ष 2003 से विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% प्रतिवर्ष की दर से हुआ है। उपयुक्त सरकारी नीतियों तथा औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के नए प्रयासों से अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि विनिर्माण उद्योग अगले एक दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा, जिसको क्या कहते हैं, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसलिंग की स्थापना की गई है। अब औद्योगिक अवस्थिति के बारे में जान लीजिए। औद्योगिक अवस्थिति का मतलब हो गया जहाँ उद्योगों की स्थापना की जाती है, तो किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि हम एक उद्योग धंधा या एक कोई कंपनी या कल कारखाना लगा सकें, आइए देखते हैं। उद्योगों की स्थापना स्वभावतः जटिल है। इनकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, पूंजी, शक्ति के साधन तथा बाजार आदि की उपलब्धता से प्रभावित होती है। इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव है। फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहाँ ये कारक उपलब्ध हों अथवा जहाँ इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है। सही बात है, औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण प्रारंभ होता है। कभी कभी उद्योग शहरों में या उनके निकट लगाए जाते हैं। इस प्रकार औद्योगिकरण तथा नगरीकरण साथ साथ चलते हैं। नगर उद्योगों को बाजार तथा सेवाएं जैसे बैंकिंग है, बीमा है, परिवहन है, श्रमिक है तथा वित्तीय सलाह आदि का उपलब्ध कराते हैं। नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं में से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिसे समूहन बचत कहा जाता है। ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूह स्थापित हो जाता है। स्वतंत्रता से पहले अधिकतर विनिर्माण उद्योगों की स्थापना दूरस्थ देशों से व्यापार पर आधारित थी, जैसे क्या है, मुंबई, कोलकाता व चेन्नई आदि। परिणाम स्वरूप कुछ एक नगर औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे जो ग्रामीण कृषि पृष्ठ प्रदेश से घिरे थे। अब यह देख लीजिए कि किसी भी विनिर्माण उद्योग का कैसे होगा, अब कैसे होगा, देखिए निवेश आप करेंगे किस चीज़ पे, तो कच्चा माल चाहिए, उससे घटक चाहिए, उसके बाद से उत्पादन में क्या चाहिए, तो उत्पादक घटक में भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए, उद्यमी चाहिए, उसके बाद से अवसंरचना में क्या हो गई, परिवहन चाहिए, परिवहन के बाद कारखाना बनाइए, तैयार उत्पाद माल के लिए बाजार चाहिए, तो उसके लिए भी परिवहन और बाजार चाहिए। तो ये सारे क्या हैं, घटक है, और इन सबों के लिए क्या चाहिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, तो पूंजी चाहिए। अब किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण उनकी न्यूनतम उत्पादन लागत से निर्धारित होती है। सरकारी नीतियाँ तथा निपुण श्रमिकों की उपलब्धता भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही बात है। अब उद्योगों की आदर्श अवस्थिति देख लीजिए। अब किसी उद्योग की स्थापना के लिए आदर्श स्थिति कौन सी चाहिए, तो पहला नंबर देखिए क्या चाहिए, उस स्थान पर कच्चा माल प्राप्त करने की लागत हो। उस स्थान पर क्या चाहिए, तो कच्चा माल जो है प्राप्त करने की लागत हो, उस स्थान पर उत्पादन की लागत हो, उत्पादन के वितरण की लागत हो, और उस स्थान पर उद्योगों का स्थापना का निर्णय हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज का चैप्टर हम यहीं समाप्त करते हैं और इसका शेष पार्ट अगले वीडियो में आएगा। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।